आज हमारे साथ हैं अतुल जी, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बनाएं और क्या क्या स्टॉक मार्केट में करियर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं अतुल जी के बारे में। तो हेलो सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया रंजीत जी, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। ओके सो देखिए, मैं बात करूं तो मैं प्रॉपर हूं मध्य प्रदेश एमपी से, बट ऑलमोस्ट 20 साल से मैं पूना में रहता हूं। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन देन अपना एमबीए पूना सिंबायोसिस से किया, फाइनेंस में किया है, और उसके बाद इस फील्ड में लग पड़े और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, आज के टाइम में इंडिया में इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो लोग आज के टाइम में स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग मानते हैं, तो ऐसे में कोई अपना करियर स्टॉक मार्केट में चूज क्यों करे? तो देखिए, अगर रजीश जी मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है क्या, तो शायद जो जिस परसेंटेज में लोग इसको लेते हैं, शायद मैं भी वही बोलता। बिकॉज उतना, जैसा आपने बोला ना, उतना लिटरेसी लोगों को नहीं था उस समय स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। आज धीरे 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 वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आता जा रहा है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। एंड यू नो, सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं बात करूं ना रजनीश जी, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्पेक्युलेशन करते हैं, करेक्ट, अपनी मतलब कैपेसिटी से 10 टाइम्स ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करूं, आज लोगों का परसेप्शन चेंज होता जा रहा है। आज आप देखो रजनीश जी, मतलब आज से 15-20 साल पहले अगर किसी को अकाउंट ओपन करना होता था, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए फिजिकल फॉर्म भेजना होता था। आज आप देखो कि एक मोबाइल में प्ले स्टोर में 10 सेकेंड में ऐप डाउनलोड हो जाता है। ऐप डाउनलोड होने के बाद लोग काम स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। बट अगर लोग अगेन ओवर ट्रेडिंग करेंगे, स्पेक्यूलेशन करेंगे, तो अगेन वो गैम्बलिंग होगा एंड लोग कैरियर नहीं बना पाएंगे इसमें, करेक्ट। तो मैं मतलब लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अभी हमने एक छोटा सा मार्केट भी कैपिटलाइज नहीं किया है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर, कि जैसे मैं भी एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ, तो क्या फाइनेंस बैकग्राउंड होना जरूरी है और कितना जरूरी है स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए? सो मेरा काउंटर क्वेश्चन रजनीश जी आपसे ये है कि आपने बोला कि आप बीटेक इंजीनियर हैं, करेक्ट। सो क्या आपको इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट है? सबसे पहले तो मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट आया, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बैलेंस शीट वगैरह जब मैंने देखी तो मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब कुछ प्रैक्टिकल सा लगा, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट बनता गया इसमें। तो मैं आपको यू नो एक चीज बोलना चाहता हूँ, यू नो रजनीश जी, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं, लुक, फाइनेंस की डिग्री का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए। मतलब आज अगर मैं बात करूं ना, तो लुक, रेदर देन हैविंग अ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड यू नो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं, ऑफ कोर्स कुछ कोर्सेज यू नो हैं एनआईएसएम के, अगर आप साइट में जाएंगे तो कुछ 22 कोर्सेज हैं, उसको आप करके और अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बट ऐसे अगर मैं बात करूं, तो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर, इसी से मेरा थर्ड क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, लेकिन आज के टाइम में इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? लुक अगेन, पॉपुलर पहले नहीं था, अब धीरे धीरे होता जा रहा है। मतलब आज आप देखोगे ना, तो फैमिली में अगर लेट से 4-5 लोगों की फैमिली है, तो एक का ट्रेडिंग अकाउंट, एक का डीमैट अकाउंट होना चालू हो गया है, राइट। आज आप रेशियो वाइज देखोगे तो 10 में से 7 से 8 लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, करेक्ट। कुछ लोग मतलब आप इवन अभी देखोगे रजनीश जी, अगर आप अभी बैंक जाओगे तो ब्रांच मैनेजर सबसे पहले आपसे एक ही क्वेश्चन करता है कि सर आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट है क्या, राइट। आप अगर उसको बोलोगे कि मुझे एफडी करानी है, तो वो आपको सजेशन देगा कि सर म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, आप एक बार इसका भी सोचिए। तो टाइम चेंज होता जा रहा है,
एरा चेंज होता जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी में एफडी से 3x, 4x, 5x ज्यादा भी पैसा बन सकता है। या तो करियर अपॉर्चुनिटी अगर देखे तो बहुत है अभी स्टॉक मार्केट में आगे। हाँ सर, वैसे तो आपने कहा जैसे आज हर घर में एक डीमैट अकाउंट है, काफी सारे लोग आजकल आईपीओ के लिए भी घर में डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं ताकि मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने कहा बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टॉक मार्केट में, तो थोड़े से करियर अपॉर्चुनिटीज जो स्टॉक मार्केट में हैं उसके बारे में बताइए, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टॉक मार्केट में। ओके सो राजेश जी, देखिए अगर मैं स्टॉक मार्केट में करियर ऑप्शंस अगर मैं देखूं ना, तो वन कैन बिकम अ ऑथराइज्ड पर्सन, सेकंड अगर मैं बात करूं वन कैन बिकम अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है, चौथा ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडर बन सकता है, पांचवा अगर मैं बात करूं जो बहुत ज्यादा यू नो लोग उसको सपोर्ट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, यू नो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, इक्विटी एनालिस्ट में आप देख लो फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर बन सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर बन सकते हैं। तो अगर ऑप्शन देखू ना, सो 8 से 10 ऑप्शन निकलते हैं अगर स्टॉक मार्केट में करियर अगर बनाना है। यस सर, तो सर एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है, 1000 रुपए से मैं 1,00,000 रुपए स्टॉक मार्केट में बना सकता हूँ, तो ये तो कहने के लिए बहुत इलॉजिकल बातें हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में करियर बना सकता है, कितना कैपिटल होना चाहिए आपके पास मिनिमम। ओके तो पहला देखो रजनीश जी, मैं बता दूं अगर किसी ने भी आपकी मतलब अगेन किसी ने भी सोचा कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो पहला प्रोसेस ये होता है कि उसको अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में अगर मैं डिफरेंस करूं, ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट जहां पर ट्रेड होता है और डीमैट अकाउंट जहां पर आपके शेयर्स बैंक में होते हैं। राइट। सो आपका क्वेश्चन क्या था मुझे ये बताइए कि बेसिक कैपिटल कितना होना चाहिए एक बंदे को अपना कैरियर बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में, कितना पैसा उसके पास होना चाहिए। ओके तो मैं लोगों को सजेशन ये दूंगा गाइस कि पहला तो स्टॉक मार्केट में इतने आज ब्रोकर हैं, ऐसे ऐसे ब्रोकर हैं जहां पर पैसा लगता ही नहीं अकाउंट ओपन करने के। और दूसरा सजेशन मैं ये दूंगा कि लोग बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, कुछ लोग इक्विटी में काम करते हैं, कुछ लोग इंडेक्स एफएनडो में काम करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, कुछ लोग करेंसीज में काम करते हैं, एंड काफी लोग एमसीएक्स कमोडिटी में काम करते हैं। बट अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी है तो पहला अपना अकाउंट ओपन करिए, छोटे छोटे से यू नो स्टॉक्स को लीजिए, लॉन्ग टर्म डिलीवरी बाय करके रखिए और टारगेट अपना टारगेट डिसाइड करिए मुझे कितना प्रॉफिट बुक करना है। तो मेरा आंसर आपको रजनीश जी ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं। ऑफ कोर्स स्काई इज द लिमिट, जितना पैसा अपन इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट छोटे से अमाउंट से अगर किसी ने प्लानिंग कर ली मुझे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए पर मंथ भी स्टॉक परचेस करना है, तो ही कैन पिक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स एंड उसमें स्टॉक कर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक दिमाग में क्या माइंडसेट होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, तो दिमाग में माइंडसेट क्या होना चाहिए एक बंदे का। लुक, दिमाग में माइंडसेट पहला ये होना चाहिए कि अगेन लुक बहुत सारे माइंडसेट होना चाहिए। पहले तो जो भी स्टॉक मार्केट में अगर मतलब बंदा काम कर रहा है तो उसका डेली रूटीन जो होता है रजनीश, राइट, डेली रूटीन परफेक्ट होना चाहिए, मतलब सुबह अच्छे से उठे, बिकॉज लुक स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, काम होना बहुत जरूरी है। दूसरा लुक सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, मतलब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मार्केट इतना बड़ा मार्केट है ना, और सक्सेसफुल ट्रेडर अगर बनना है तो रोज नई नई चीजें हम अपनी गलतियों से ही सीख सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो लुक अगेन अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, अगर लेट से आप ट्रेडिंग करते हो, लेट से अगर कोई जनता ट्रेडिंग करती है, तो जो भी ट्रेडिंग करती है उसका एक एक्सेल शीट बनाना चाहिए, उससे समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती करी, कौन सी गलती को मैं रेक्टिफाई नेक्स्ट आगे नहीं करूंगा,
तो ग्रो करूंगा, करेक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, माइंडसेट में रखना पड़ेगा, विच इज हमको हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, करेक्ट। अगर हम किसी ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाएंगे ना तो मार्केट में पैसा नहीं बनाएंगे, तो हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। एंड अगर मैं अगेन बात करूं, लुक ये तो मैंने एक बिगनर के लिए बोल रहा हूं, बट अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी है ना, वो भी स्टॉक मार्केट में गलती करता है। यस, तो अगर आप इंट्राडे काम करते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना काम मत करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाते हैं तो वेट करिए और पोजिशन उतनी ही बनाइए जितनी आप कैरी कर सकते। ओके सर, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसे काफी सारे मिलियनर्स हैं अपने स्टॉक मार्केट में, तो मैंने सुना था कि बहुत छोटे कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज मिलियनर है। तो अगर मैंने जैसे स्टार्ट कर लिया, तो क्या स्टार्ट करने के बाद स्टॉक मार्केट से मिलियनर बनना पॉसिबल है आपके थ्योरी में? आप बिलीव नहीं करेंगे रजनीश जी, इसके लिए मैं आपको डबल यस बोल सकता हूँ। मतलब अगर मैं चार पांच नाम ही आपको लेता हूँ, पहला मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम द बिग बुल बोलते हैं, आज उनका नेटवर्थ जो है वो 4.3 बिलियन है, करेक्ट। एजुकेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनिशियली जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो आप उनका पढ़ लीजिए, 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था। आज उनका नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, 30,000 ऑलमोस्ट 30,300 करोड़ का नेटवर्क 2021 का है। एंड एज पर द फोर्ब्स मैगजीन 2020 की जो richest person में थे, राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो 54th नंबर पे थे। सेकेंड अगर मैं बात करूं, आप आर के दमानी साहब को देख लीजिए, उनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट 15.4 बिलियन यूएसडी है, फैब का 2021 का एक सर्वे के अकॉर्डिंगली मैंने ये स्टडी किया था, राइट। ऑक्यूपेशन वाइज आप देख लो, ही इज द प्रमोटर ऑफ डीमार्ट नाउ। थर्ड एक बिग शॉट्स को देख लीजिए, रमेश दमानी जी को देख लीजिए आप, उनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट 1100 करोड़ है। अगेन एजुकेशन वाइज जो आपने बात करी थी, जो पहले आपने क्वेश्चन किया था कि एजुकेशन बैकग्राउंड में फाइनेंस मार्केट फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना जरूरी है क्या, रमेश दमानी जी को आप देख लीजिए, रमेश दमानी जी उन्होंने HR किया है मुंबई से, करेक्ट। ऑफकोर्स कॉमर्स बैकग्राउंड के थे बट उनकी स्पेशलिटी HR किया था उन्होंने, और आज आप देख लो, मतलब जब सेंसेक्स 600 पॉइंट था जब से उनने मार्केट में एंट्री ली थी, और आज आप सेंसेक्स देखो कितना क्रॉस हो चुका है, 50,000 प्लस हो गया है। इसके अलावा अगर मैं 2-3-4 नाम और लू तो आप रामदेव अग्रवाल जी को देख लीजिए, विजय केडिया जी को देख लीजिए, डॉली खन्ना, राइट, चंद्रकांत संबत, ऐसे बहुत सारे बिग शॉट्स हैं जिन्होंने प्रूफ किया है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाया जा सकता है। अगेन हम तीन मंत्रा को मतलब दिमाग में रखें, जो हम अपने इंटेलिजेंस, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, हम लोग जो बोलते हैं, नो ओवर ट्रेडिंग, नो स्पेक्युलेशन, नो अगेन इमोशंस, नो इमोशंस, नो लेवरेजिंग, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें, स्पेक्युलेशन ना करें, मनी मैनेजमेंट करें। स्टार्टिंग डेज में तो काफी होता है कि हम क्या करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस खाते हैं तो हम दूसरा ट्रेड ले लेते हैं उसको कवर करने के लिए, और फिर तो कभी कवर्ड नहीं होता, सिर्फ कैपिटल जाती है। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर कोई मेरा व्यूअर होगा जो अभी 12th पास आउट हुआ होगा या 12th में होगा, तो उसके लिए क्या स्टार्ट कर सकता है, क्या ऐसा कोई मिनिमम एज है या डिग्री रिक्वायरमेंट है उसे स्टॉक मार्केट में आने के लिए? लुक, अगर मैं एक एज डिफाइन करूं ना रजनीश जी, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए कोई ऐसे एज का रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनका ये 10 साल 12 साल है वो भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, राइट। एंड छोटा सा एक रिक्वायरमेंट होता है कि 12th पास आउट अगर हैं तो बेस्ट है, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बेस्ट है, बट ऐसे कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट नहीं है। बोथ अ माइनर एज वेल एज एन एडल्ट कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, दोनों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या सर, मेरा एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि अगर मुझे जैसे कैरियर बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो मेरे पास दो चॉइस आ जाता है, या तो मैं किसी के अंदर एम्प्लॉय बन जाऊं और मैं किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में एडवाइजरी या कहीं पे काम करने लग जाऊं,
या फिर मैं अपना एक सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करूं स्टॉक मार्केट का, तो आपके हिसाब से क्या बेटर है? लुक रजनीश जी, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद स्टॉक मार्केट में भी कोरिलेट करेगी। लुक, अगर आपको एज ए बिजनेसमैन भी आना है तो पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। एंड मैं चार क्वाड्रेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक होता है एम्प्लॉई, राइट? ही इज द पर्सन हु बेसिकली गो टू अ कम बैक होम, गो टू अ कम बैक होम, गो टू अ कम बैक होम, गो टू अ कम बैक होम फॉर हिज लाइफ टाइम। उसके बाद धीरे धीरे से नॉलेज जब आता है, एक्सपीरियंस आता है, फिर हर इंसान सोचता है कि नहीं यार, मैं खुद का स्टार्ट करना चाहता हूं। फिर वो अपना खुद का स्मॉल बिजनेस सेटअप करना चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर धीरे से वो शिफ्ट होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, विच इज कॉल्ड बिग बिजनेस क्वाड्रेंट, जिसमें आप ले लो राकेश जुनवाला जी ले लो, राइट, वॉरेन बफे ले लो, रतन टाटा ले लो, राइट, मुकेश अंबानी ले लो, मतलब धीरे धीरे वो बिग बिजनेसमैन बनना चालू कर देते हैं। और उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है इन्वेस्टर की कैटेगरी आती है, राइट? सो पहले जॉब करना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना जरूरी है, उसके बाद यहां से हम यहां पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट उसके लिए सिर्फ तीन चीज का रिक्वायरमेंट है, एग्रेशन, पैशन एंड हंगर। ये तीन चीज अगर है तो हम स्टॉक मार्केट में ग्रो कर सकते। ओके सर, अभी के टाइम में सबसे बेस्ट टाइप का मार्केट कौन सा है? जैसे कि बहुत सारे टाइप के मार्केट हो जाते हैं कमोडिटी ये सब में, सबसे बेस्ट टाइप का मार्केट कौन सा है जिसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, तो अगर कोई मतलब नया बंदा, मतलब जो आज ही देखना चालू किया है स्टॉक मार्केट को, जिसको अभी धीरे धीरे पता चलना चालू हो रहा है कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स में कितने शेयर्स होते हैं, निफ्टी इंडेक्स क्या होता है, तो मैं उन लोगों को सजेशन एक ही चीज दूंगा, अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करके डिलीवरी में, इक्विटी में काम करना चालू करिए। और ऐसे अगर मैं सेगमेंट बोलूँ ना रजनीश जी, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, राइट? इक्विटी है, देन MCX है, देन करेंसीज है, करेक्ट? देन इंडेक्स में भी काम होता है। तो अगर धीरे धीरे से, लुक अगेन, धीरे धीरे से अगर मैं बात करूं, मैं लेट्स से पुणे में रहता हूं, मुझे बॉम्बे जाना है, तो आई कैन नॉट सी डायरेक्टली टू मुंबई। अगर मैं अपनी कार में हूं तो मुझे 100 मीटर ऐसे करके आई कैन रीच डेस्टिनेशन। तो वैसे ही अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पहला तो मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, फंड एलोकेट प्रॉपर करना बहुत जरूरी है, फंड जितना है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना पड़ेगा कि लेट से अगर मेरे पास 50,000 फंड है तो मुझे कौन से स्टॉक्स लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कितना रखना चाहिए। उस पर मनी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 50,000 रुपए तो मुझे इंट्राडे में कितना यूज करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना यूज करना है, करेक्ट? तो पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स अगर नए ट्रेडर हैं, छोटा सा कैपिटल है, तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा, इक्विटी के डिलीवरी के शेयर्स में लो, अच्छे शेयर्स लो, लॉन्ग टर्म रखो। लॉन्ग टर्म रखोगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट का। सर, एक और बात मेरे दिमाग में अभी स्टक करी कि जैसे आप देख सकते हो आज के टाइम में निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है अपने, और मान लो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे कल ही मार्केट के बारे में पता चला है और मैं आज ही अकाउंट खोलता हूँ, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे उसे इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आप कहेंगे कि करेक्शन पे इन्वेस्ट करें या करेक्शन का वेट करें? लुक अभी रजनीश जी, जैसा मेरा नॉलेज है कि लुक करेक्शन भी आएगा तो एक करेक्शन आएगा, बट अगर आगे देखे तो एक मार्केट जो है वो बुल मार्केट ही आगे बढ़ने ही वाला है, राइट? सो अगर हम फ्यूचर्स NSE में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए करेक्शन का भी वेट ना करें तो ऐसा कोई नीड नहीं है, अगर हम लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, करें, बिकॉज फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड हमको या आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि सेंसेक्स 1,00,000 क्रॉस कर दिया या निफ्टी 50,000 क्रॉस कर दी, राइट? बट स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? ऑफकोर्स स्टॉक को सिलेक्ट करने के पहले फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि क्या क्या डिग्री किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, करेक्ट? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं,
सबको फॉलो करके भी हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा से खासा बना सकते हैं। हाँ सर, पोर्टफोलियो से मुझे एक क्वेश्चन है कि स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स, मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे किसी को, स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में जाए? ओके, तो देखिए रजनीश जी, अगर मैं बात करूँ, लुक म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड ये है कि अगर आप बिजी हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ में कोई और कोई मैनेज करे, तो कोई दूसरा मैनेजर होता है जो एक्सपर्ट होता है फाइनेंस का, वो म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न दे देता है। तो म्यूचुअल फंड SIPs ऑफकोर्स ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बट अगर आपको लगता है कि 9 बजे से 3 बजे तक आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप बैलेंस शीट को ट्रैक कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप पूरे कंपनी का डिटेल एनालाइज कर सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट में खुद ही अपना अकाउंट ओपन करके खुद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसा लगाना है बट मेरे पास टाइम नहीं, तो बेटर है, लोगों के लिए बेटर ये है कि वो म्यूचुअल फंड में SIPs में इन्वेस्ट करना चालू कर दें, उसमें भी बहुत ज्यादा रिटर्न हो सकता है, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। या सर, बात करके आपसे काफी अच्छा लगा। ओके, सो आई एम श्योर ये छोटे छोटे से मैं अगेन रजनीश जी एक ही चीज बोलूंगा, पूरी जनता को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है। तो सर काफी अच्छा सेशन रही आपके साथ, तो एनी क्लोजिंग पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारी फैमिली को देना चाहें यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से? ओके, सो रजनीश जी, पहला मैं आपको बता दूं, जो आपने मुझे बोला था ना कि आपके यूट्यूब चैनल में आप रोज आते हैं, बाय द वे वो मैं नहीं आता हूं, आई एम द को फाउंडर ऑफ इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, अमित सर आते हैं रोज, लाइव आते हैं, ही इज माय एल्डर ब्रदर, राइट, ही इज द फाउंडर ऑफ इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। तो मैं आप लोगों की फैमिली को एक एडवाइस देना चाहता हूं, अगर इस मंत्र को फॉलो कर लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू आपकी जो भी मतलब YouTube में आपकी जो भी जनता है, उनको बहुत बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग जो रजनीश जी बोलते हैं, फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग मत करिए, दूसरा स्पेकुलेशन मत करिए, करेक्ट, एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए एंड फंड एलोकेशन प्रॉपर करिए, तो बहुत पैसा बन सकता है। एंड अभी तो इंडिया में शुरुआत हुई है, राइट, बहुत दूर जाना है एंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो इंडिया में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, और आप जैसे और हम जैसे लोग, मैं तो ये चाहूंगा कि आप जैसे हम जैसे मार्केट में और ज्यादा लोग आए, राइट, इस इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे लेवल पे एक अलग लेवल पे लोग पहचान बनाए, और मतलब अच्छे अच्छे लोग इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाहिए, जिससे 90% लोग जो स्टॉक मार्केट को अभी भी गैम्बलिंग समझते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, हम और आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोगों का परसेप्शन जो चेंज हो रहा है और ज्यादा चेंज हो, और लोग बोलें कि स्टॉक मार्केट इज अ लीगल बिजनेस, राइट। सो मैं सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फंड अलोकेट प्रॉपर करिए, मनी मैनेजमेंट करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, लिवरेजिंग का इस्तेमाल मत करिए, राइट, जितनी कैपेसिटी है उतना काम करिए, जितनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं उतना काम करिए, राइट, और अपनी एक एक्सेल शीट बनाइए, उसको एनालाइज करिए कि मैंने क्या करा, कैसे करा, राइट, और प्रॉपर अपने रिकॉर्ड, अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बनाइए, और आई एम श्योर तो जितने क्वेश्चंस हमारे थे, 10 में से शायद 4-5 क्वेश्चन आपने एक ही चीज पूछी कि लोग स्टॉक मार्केट को करियर के रूप में देख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स 110% देख सकते हैं, बट उसके लिए कायदे में काम करना होगा, एंड इसको अगर प्रोफेशनल वे में काम करेंगे तो बहुत पैसा बन सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अपना यूजफुल प्रीशियस टाइम दिया, और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपसे सीखते रहेंगे। तो अगर आप सर को फॉलो करना चाहते हैं, तो सर आपसे आपसे कुछ डाउट है, तो आप जाके सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रंजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, राइट, एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली। आपको भी सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय।